शिंजो आबे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार दुख जताया। नमस्कार, स्वागत है आपका यूवी न्यूज में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे की मौत पर गहरा दुख जताया है। इसी के साथ भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट में शिंजो आबे के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी कई बातें कही हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, मैं अपने प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूँ। वह विश्व स्तर पर एक बहुत बेहतरीन नेता थे। वह अपने निर्णय पर अटल रहते थे और इंसाफ का साथ देते थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिंजो आबे के साथ मेरा जुड़ाव कई साल पुराना था। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान से उन्हें जानता था और मेरे पीएम बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही। अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों पर उनकी सूझबूझ और समझदारी ने हमेशा मेरे दिल पर एक अहम छाप छोड़ी है। अपनी हालिया जापान यात्रा के दौरान मुझे शिंजो आबे से मिलने और कई मुद्दों पर बातचीत करने का मौका मिला था। वह हमेशा की तरह मजाकिया और समझदार थे। जब उनसे मिला था तो नहीं जान पाया कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उनके परिवार और जापानी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आबे ने भारत जापान संबंधों को एक विशेष और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर बढ़ावा दिया है और अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज पूरा भारत जापान के साथ शोक में है और हम इस कठिन घड़ी में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि वह भारत जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए हमेशा से उत्साही रहे थे। हाल ही में उन्होंने जापान भारत एसोसिएशन के चेयरमैन का पद संभाला था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।